रीडिंग करो सभी। वन फोर्थ ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। कैमल का एक हर्ड है, कैमल्स का वाज सीन इन द फॉरेस्ट। हम मान लेते हैं कि जो टोटल कैमल है वो एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल एक्स हैं उनमें से वन फोर्थ वाज सीन इन द फॉरेस्ट, तो 1/4x को तो फॉरेस्ट में भेज दिया, और ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, हर्ड के स्क्वायर रूट का ट्वाइस, ये सब कहाँ चले गए? माउंटेन। रिमेनिंग 15, और उसके बाद 15 बचे। तो ये क्वेश्चन है कि टोटल एक्स कैमल से उसमें से 1/4 हमारे कहाँ चले गए? फॉरेस्ट में। ट्वाइस द स्क्वायर रूट चले गए माउंटेन, और उसके बाद 50 बचे। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? भाई स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन है, तो सॉल्व करने का तरीका देख लो जरा सभी। पहले तो एलसीएम तो ले ही लेते हैं। तो ये आ गया 3x-2√x=60। अब जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, इसमें अंडर रूट एक्स को वाई लेट कर लो। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई हमारी, 3y²-2y-60। तो ये इक्वेशन बन जाती है इस तरह से हमारी। अब इसके फैक्टर कर लो, 63 जा 180, 180 से 2 लाना है।